बीच में नेट कट सकता है यहाँ पे 1200 तो चला जा रहा है क्या? बीच में रहने के 1200 चला जा रहा है, कट सकता है क्या? चल रहा है बाद बीच में बार ये यहाँ ग्रीन दिख रहा है। अच्छा तो क्या कटेगा दिख रहा है? हेलो ओपन कीजिए लिंक, लिंक अपना ओपन कीजिए। आवाज आ रहा है सबको? ओके ओके सभी लोग नहीं आए हैं भाई, सबको कहे सब लोग आ जाए, सेशन स्टार्ट करेंगे। सब लोग ज्वाइन कर ले जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। सब लोग ज्वाइन करें, क्लियर होगा ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। तो कल वेंचुरी मीटर मैंने कर लिया था, क्या कर लिया था कल अपन ने? वेंचुरी मीटर कर लिया था, सब लोग ज्वाइन कर ले। आज क्या करना है भाई? नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ना है, शेप ऑफ विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन, ऐसा कुछ दिखता है ना, क्यों ऐसा दिखता है? चलो ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ। शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने प्रॉपर्टी आप लोग को जैसा कि मैं बता रहा हूँ पढ़ा दिया था, आज हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या? एप्लीकेशन पढ़ेंगे ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है भाई, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अपन क्या करेंगे भाई? तो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। ओके ओके, तो भाई इसको कंप्लीट करने के बाद इस सेशन को अपन क्या पढ़ेंगे भाई? तो क्वेश्चन करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद जो है डेली रेगुलर एक क्लासेस ऑन रहेंगी। सभी लोग इस क्लास को
करते रहे। तो क्वेश्चन ये आता है कभी कभार पूछता है कि जो एरोप्लेन होती है, जो एरोप्लेन होती है बेटा, एरोप्लेन जो होते हैं इनका जो विंग्स होता है उनका सिर्फ ऐसा क्यों होता है, उसके भी पीछे रीजन है। जो गिवन है ये देखो, ये क्या है, ये जो पार्ट है ये क्या है, इसको बोलते हैं विंग्स ऑफ एरोप्लेन है। ये क्या है दरअसल में, विंग्स ऑफ एरोप्लेन है, विंग्स ऑफ एरोप्लेन है, ठीक है। ये क्या है, विंग्स ऑफ एरोप्लेन है, ठीक है। ये क्या है, विंग्स ऑफ एरोप्लेन। तो ऐसा विंग्स ऑफ एरोप्लेन क्यों रहता है, ठीक है। ये देखो टू डी में एक्चुअल बनाया गया है, एक ऐसा बनाया गया 2D में बनाया गया है, मतलब कि उसका एक पार्ट कट आउट कर करके बना दिया गया है, ठीक है। एक्चुअल में देखोगे 3D में तो ये पूरा का पूरा आउट ऑफ द लेन ऑफ पेपर रहेगा, अंदर से बाहर क्यों, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है। अब क्यों बना होता है ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, कुछ चर्चाएं करते हैं हम लोग, ओके, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं बच्चा लोग। तो बच्चा लोग देखेंगे जो हमारी एरोप्लेन होती है, जो क्या होती है हमारी बच्चा लोग, एरोप्लेन होती है, और इसको हटा देते हैं, विंग्स ऑफ एरोप्लेन है हमारी जो एरोप्लेन होती है, यानी कि जो फ्लाइट होती है उसकी डायरेक्शन क्या दे होती है भाई, ये आगे की ओर फ्लो होती है, आगे की ओर फ्लाइट। ये किसकी ओर जाती है, ये बूढ़ा जैसे कि मैं क्या कहूँ कि ऐसे कुछ एरोप्लेन जाती है किधर की ओर, इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में एरोप्लेन जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में एरोप्लेन जाएगी। हवा किधर बहेगी भाई, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से हवा चलती है ना, इधर से मान लो हवा चल रही है, एरोप्लेन की वेलोसिटी है वी ए लिख देते हैं, और ये एयर की है, ठीक है, एरोप्लेन एरोप्लेन वाली है और ये एयर की है वेलोसिटी, ठीक है। तो एरोप्लेन आगे की ओर जा रही है, इधर की ओर, उसका सिर्फ हमको क्या दिखना है, विंग्स दिखना है। विंग्स मतलब जो बगल में निकले होते हैं डायना टाइप के कह सकते हो, बड़े बड़े, ठीक है, उनके विंग्स को देखना, क्योंकि उन्हीं के वजह से एरोप्लेन उड़ पाती है। एरोप्लेन जो लिफ्टअप होती है, कोई भी एरोप्लेन जो लिफ्टअप होती है, समझे बच्चा लोग, कोई भी एरोप्लेन जो लिफ्टअप होती है, ठीक है बच्चा लोग, कोई भी एरोप्लेन जो लिफ्टअप होती है, ठीक है, देखते हैं, कोई भी एरोप्लेन जो लिफ्टअप होती है, वो किस कारण से लिफ्ट होती है बच्चा लोग, तो विंग्स के कारण, ड्यू टू विंग्स, विंग्स के कारण, ठीक है। विंग्स के ऊपर क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंट क्रिएट होता है, मैं बताऊंगा इसका, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी एरोप्लेन की लिफ्टअप होती है बच्चा लोग, हाँ, तो कोई भी एरोप्लेन क्यों लिफ्टअप होती है, विंग्स में जो होता है उसका, विंग्स जो होते हैं, जो विंग्स होते हैं वहां क्या क्रिएट होता है, विंग्स में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है बच्चा लोग, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है, अभी बताया तुम्हें, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होती है, लिफ्टअप हो पाती है, ऊपर की ओर जा पाती है, कैसे जाती है तो थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, ये क्या आ रही है, देखो ये जा रही है एरोप्लेन,
एरोप्लेन का डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट किधर है, इस साइड में। अगर समझाने के लिए कह दें तुम लोग को तो आसानी के लिए इसको मान लेते हैं ईस्ट। अच्छा मान रहे हैं हम, ऐसा कुछ है नहीं, और ये इस साइड है वेस्ट, ठीक है। तो समझाने के लिए बस हमारी जो फ्लाइट है किधर से किधर मूव करिए, ईस्ट टू वेस्ट की ओर जा रही है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट, इसका डायरेक्शन फ्लाइट किधर है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट है और एयर वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, एयर की डायरेक्शन है। वेलोसिटी जो दिया गया है किसकी दी गई है, वेलोसिटी एयर की, और ये जो डायरेक्शन फ्लाइट की दी गई है, ठीक है। तो ये बात बताओ, मान लो और इसके ऊपर जो एयर फ्लो होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है, क्या होती है, स्ट्रीम लाइन होती है। कैसी एयर होती है, स्ट्रीम लाइन एयर होती है, ठीक है। कैसे एयर होती है, स्ट्रीम लाइन, ठीक है। स्ट्रीम लाइन का मतलब मैंने बता दिया था, ठीक है, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी सेम होगी। अच्छा ये बताओ थोड़ा सा बताओ, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक कर्व है कि नहीं कर्व है, एक कर्व है कि नहीं कर्व है, एक कर्व है, तो मतलब सेम एयर जा रही है, तो इस वाले डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा वेलोसिटी उसकी होगी कि नहीं होगी। अरे ये वाला डिस्टेंस क्या बताओ, नीचे वाला कम है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम, ये बात समझ में आती है, ये वाले डिस्टेंस कम है। तो ये बताओ, थोड़ा सा सेंस लगाओगे, थोड़ा सा सेंस लगाओगे कि इस दोनों पॉइंट में वेलोसिटी स्ट्रीम लाइन होने का मतलब कि यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी सेम होगी तो यहाँ भी इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट पे स्ट्रीम लाइन में वेलोसिटी क्या होती है, पार्टिकल की सेम होती है। तो सेम पार्टिकल है, उस पार्टिकल की यहाँ वेलोसिटी अगर कुछ वी वन है या फिर वी है, तो यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी सेम होनी होगी। अब ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा कि इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी इन दोनों पॉइंट की सेम होगी, ऐसा तब होगा। अब बताओ ए वाला डिस्टेंस इससे ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, ए वाला डिस्टेंस ऊपर वाला जो डिस्टेंस है कर्व जो दिख रहा है वो डिस्टेंस इस वाला डिस्टेंस से ज्यादा है, तो ये बताओ ए जल्दी जल्दी चलेगा इसके अपेक्षा, ए वाला वी वन जो है जल्दी जल्दी चलेगा तभी तो सेम टाइम में यहाँ पहुंचेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ा सा सेंस लगाओ। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो कि स्ट्रीम लाइन फ्लो है, कैसा फ्लो है, स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन का मतलब हर पॉइंट में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी मान लो कुछ है, तो उसी पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर सेम होनी चाहिए, मतलब हमेशा ये दोनों पार्टिकल यहाँ होने चाहिए दूसरा टाइम में, ठीक है। अब ए वाला डिस्टेंस ज्यादा है, ए वाला डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, जो कर्व वाला डिस्टेंस है ज्यादा है, एक कम है। तो ये बताओ अगर इतना डिस्टेंस तेजी से इसके अपेक्षा कवर किया होगा तभी तो दोनों जाकर के मिलेंगे यहाँ पर, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तेजी से कवर किया होगा तभी तो, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में वी वन क्या था, V2 से ज्यादा था। ये बात समझ में आई, अगर V1 ज्यादा था V2 कम था, इसका मतलब जहां वेलोसिटी ज्यादा रहता है वहां प्रेशर कम रहता है, इसका मतलब यहां का प्रेशर कम था और यहां का प्रेशर क्या था, बच्चा लोग ज्यादा था। अब जैसे ही यहां का प्रेशर ज्यादा हुआ यहां का प्रेशर कम हुआ, ठीक है, यहां क्या क्रिएट हुआ, ये मान लेते हैं पी वन, यहां मान लें पी टू, यहां प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा पी टू माइनस पी वन, ठीक है। और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक फोर्स काम करेगी और उसी फोर्स के कारण ये क्या कर जाएगी, ऊपर की ओर लिफ्ट अप हो जाएगी, सिंपल सा कारण है। क्यों भाई, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात, बग गए क्या सब, ओए कोई परेशानी बताओ, अरे नालायक हूँ, ये वाली बात समझ में आती है क्या, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या बोला, इसको समझो भाई, ये आता है एग्जाम में। मैंने क्या बोला बच्चा लोग, तो मैंने बोला कि ये जहाज जो है क्यों उड़ेगी, जहाज का ये विंग है क्यों उड़ेगा, तो ध्यान से देखें थोड़ा सा सभी लोग, इस चीज को देखो समझो, जो तुम्हारे बुक में लिखा है वही मैंने बताया भाई। चलो देखो, मैंने क्या बोला बच्चा,
मैंने बताया, मैं कारण बता रहा हूँ कि व्हाट इज द कॉज दैट एरोप्लेन को उड़ने का कारण मैं बता रहा हूँ, क्यों एरोप्लेन आराम से ऊपर उड़ लेती है, ऊपर की ओर उड़ लेती है। बताओ अगर मैं क्या कहूँ कि अगर मान लो फ्लाइट का डायरेक्शन ये है, इधर की ओर जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट अगर कह ले, ठीक है, और एयर कहाँ से कहाँ आ रही है, वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ से एयर फ्लो हो रही है, इस सरफेस को टच करते हुए इस तरह से एयर बढ़ रही है, फ्लो हो रही है, ये बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा ये बताओ एयर की स्पीड कहाँ रहे, कम रहेगी कहाँ ज़्यादा रहेगी, थोड़ा सा बताओ इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस के बीच में, यही बस दिमाग लगाना है। अच्छा ये बताओ एयर को सेम टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करना है और सेम टाइम में इतना कम, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, ऊपर वाला, ऊपर वाला डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो सेम टाइम में एयर को ऊपर, जब ऊपर से क्या करना है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है और नीचे से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, ऊपर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है और नीचे से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ऊपर से ज़्यादा डिस्टेंस जब ट्रेवल करना है सेम टाइम में, तो बताओ सेम ज़्यादा स्पीड होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वी वन ज़्यादा होगा और वी टू कम होगा। अच्छा वी वन ज़्यादा होगा, मैंने बताया था कि जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो यहाँ प्रेशर अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मैंने कल बताया था इस बात को, यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, ठीक है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, किस कारण ज़्यादा है, क्योंकि सेम टाइम में इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगा, और सेम टाइम में जहाँ कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ये कम वेलोसिटी से जाएगा, तो वी वन क्या है, वी टू से ज़्यादा है, वी वन इज ग्रेटर देन बताओ वी टू, इसलिए सो 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 वी वन इज लेस देन वी टू, यहाँ का प्रेशर कम होगा, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, यहाँ के प्रेशर से कम होगा, ठीक है, तो इस कारण क्या होगा, यहाँ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा वी टू माइनस वी वन, और उस प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ क्या करेगी, एक फोर्स काम करेगी जो कि इसको क्या कर देगी, ऊपर की ओर लिफ्ट करा देगी, ठीक है, इस तरह से उड़ जाएगा। इस चीज को इसने यहाँ भी लिखा होगा, ध्यान से देखेंगे, देखें अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम फॉर फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है, लिक्विड और गैस, तो बर्नौली थ्योरम के अनुसार फ्लोइंग फ्लूइड उसके अंदर लिक्विड या गैस है, वेयर द वेलोसिटी इज इंक्रीज, जहां वेलोसिटी इंक्रीज होगा प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, अभी बताया था जहां पर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वहीं पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वाइस वर्सा, मतलब जहां पर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी वहां प्रेशर इंक्रीज होगा। दिस फैक्ट हैज बीन यूज्ड इन शेपिंग द विंग्स ऑफ एरोप्लेन, इस फैक्ट को कहां यूज किया जाता है भैया, तो जब एरोप्लेन का विंग को शेप किया जाता है, बनाया जाता है, उस समय इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है कि जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी प्रेशर कम होगा, जहां वेलोसिटी कम होगी प्रेशर ज्यादा होगा। द विंग इज सो डिजाइंड, विंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है दैट द कर्वेचर इट्स अपर सरफेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लोअर सरफेस, इस तरह से किया जाता है कि जो ऊपर सरफेस का, ऊपरी सतह का जो कर्वेचर है निचली सतह से ज्यादा हो, ठीक है, लिखा है द कर्वेचर इट्स सरफेस इज ग्रेटर देन द लोअर सरफेस, लोअर सरफेस के कर्वेचर से अपर सरफेस का कर्वेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है, एंड इट्स फ्रंट इट इज शेप राउंड, और आगे वाला शेप राउंड होता है, ठीक है, वेल द बैक इन इज फ्लैटेंड, और पीछे का इन थोड़ा सा फ्लैट किया गया रहता है, ठीक है, फ्लैट किया गया, फ्लैटेड, पीछे वाला लिंक थोड़ा फ्लैट है और आगे वाला क्या है, थोड़ा सा राउंड शेप में है, ऐसे किया गया रहता है। ड्यूरिंग द फ्लाइट द एरोप्लेन द फ्लो ऑफ एयर अबव द बिलो विंग इज स्ट्रीमलाइंड, अभी बताया मैं कि जो एयर है वो क्या किस नेचर की है, स्ट्रीमलाइंड नेचर की है, एज टू, ठीक है, एज शोन इन फिगर द एयर फ्लोइंग अबव द विंग हैज टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस, अभी बताया कि जो विंग के ऊपर फ्लो हो रही है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और जो विंग के नीचे हो रही है उसको लोअर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लार्ज डिस्टेंस एयर बिलो द विंग, ठीक है, देयर द वेलोसिटी ऑफ वी1 ऑन द सरफेस इज लार्जर देन वी2, इसलिए वी1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, वी2 का भी बताया था मैं, ठीक है, लोअर द सरफेस, ठीक है, कंसीक्वेंटली द प्रेशर क्या भी बताया था मैं कि यहां वी1 इज ग्रेटर देन वी2 हो जाएगा, तो वी1 इज लेसर देन वी2, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम हो जाएगा, इन दोनों की वजह से मैंने अभी बताया था प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, एक फोर्स काम करेगी, क्लिप्टिंग फोर्स काम करेगी, ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा बच्चा लोग, एक लिफ्टिंग फोर्स काम करेगी, अभी बताया था, उसी लिफ्टिंग फोर्स की वजह से क्या करता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है, मेरी फ्लाइट क्या करती है, ऊपर की ओर मूव कर जाती है, ठीक है, तो इसका कारण मैंने बता दिया। नेक्स्ट की ओर चलेंगे, नेक्स्ट है बंसेन बर्नर,
बंसन बर्नर, किस बंसन बर्नर भी किस पर काम करता है भैया? तो बंसन बर्नर भी बच्चा लोग उसी के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है बताओ? तो बर्नौली थ्योरम के ऊपर। देखो क्या होता है एक्चुअल में इसमें समझना, यहाँ क्या होता है फ्लेम होता है, यहाँ पर क्या होता है गैस होता है, ठीक है, अंदर की ओर गैस होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नोजल लगा होता है, इस नोजल से ही बहुत तेजी से गैस निकलती है और ये गैस एयर के साथ मिक्स होती है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर फ्लेम बन के जलती है, यही होता है। स्ट्रक्चर किसका है? बंसन बर्नर का है। तो मैंने बताया था बंसन बर्नर में क्या होता है, यहाँ पर गैस होती है, तुम लोग देखोगे अरे गैस वाला जो गांव में स्टोव यूज किया जाता है यार उसी का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होती है बच्चा लोग? गैस होती है, ठीक है, यहाँ क्या होता है बताओ? गैस, और यहाँ पर नोजल बनाया रहता है, मतलब हाई स्पीड से गैस निकलती है, बहुत ही हाई स्पीड से, नोजल से बहुत हाई स्पीड से गैस निकलेगी और यहाँ एयर आकर के इस गैस से मिक्स होगा और यहाँ क्या शुरू होगी, गैस प्लस एयर लेकर के यहाँ बर्निंग शुरू होती है, फ्लेम बनता है। तो होता है एक्चुअल में यहाँ क्या है, ध्यान से समझोगे एक्चुअल में होता है यहाँ पर क्या है, सभी लोग समझेंगे। ठीक है, समझेंगे सभी लोग। ठीक है, समझेंगे सभी लोग। क्या होता क्या है कि देखो ए है गैस, गैस ए है नोजल, ओ पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट को नोजल बोला जाता है। नोजल की क्या होती है प्रॉपर्टी? नोजल से जो गैस निकलती है बहुत हाई स्पीड से निकलती है। गैस किस साइज से? हाई स्पीड से, हाई वेलोसिटी से निकलेगी, ठीक है, इस वेलोसिटी से, तो हाई वेलोसिटी से निकलती है। तो ये बताओ यहाँ से बहुत हाई वेलोसिटी से निकलेगी तो यहाँ प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया था कि जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा रहती है प्रेशर कम हो जाता है। मैंने अभी बताया था, कल भी बताया था इस बात को। तो ये हाई वेलोसिटी से जब गैस यहाँ पर निकलेगी तो यहाँ पर प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बताओ सही बात है, यहाँ हाई वेलोसिटी से अगर निकलेगी, ठीक है, किस वेलोसिटी से? हाई वेलोसिटी से अगर निकलेगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हाई वेलोसिटी से निकलेगी बच्चा लोग, यहाँ हाई वेलोसिटी से अगर गैस निकलेगी तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कम होगा, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, बाहर का प्रेशर एटमोस्फियरिक प्रेशर है और अंदर का प्रेशर एटमोस्फियरिक प्रेशर से कम हो गया क्योंकि वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा है, इस वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर क्या आ जाएगा बाहर से अंदर के हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा। ध्यान से समझो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस गैस को हाई वेलोसिटी से निकाला जाएगा, इस नोजल से हाई वेलोसिटी से निकालने की वजह से यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने की वजह यहाँ का प्रेशर कम होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा रहेगा एटमोस्फेयरिक प्रेशर, इन दोनों प्रेशर की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करेगी हवा, एयर क्या करेगी जाएगी, तो हवा पूरा इसमें भर जाएगी, इस तरह से हवा गैस से मिक्स हो जाएगी और आराम से क्या हो जाएगा, फ्लेम बन जाएगा, खत्म कर, ठीक है। तो ये भी किसके ऊपर काम करता है? बर्नौली थ्योरम ही है कि जहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी वहाँ बताओ प्रेशर कम हो जाएगा, जहाँ वेलोसिटी बढ़ाना है बढ़ाओगे वहाँ प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा की है क्योंकि यहाँ क्या है नोजल है, नोजल की वजह से वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम, इस प्रेशर कम की वजह से बाहर प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो एयर क्या करेगी बाहर से अंदर की ओर जाएगी और इस गैस से मिक्स हो जाएगी और यहाँ पर आराम से आग लगाएंगे तो आराम से जल जाएगा मेरा बंसन बर्नर, ठीक है। तो ये भी किस पे काम करता है भाई? तो ये भी काम करता है बर्नौली थ्योरम पर। नेक्स्ट है क्या? एटमाइजर। नेक्स्ट क्या है? एटमाइजर। नेक्स्ट क्या है? एटमाइजर। एटमाइजर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? एटोमाइजर। अब सुनो एटोमाइजर कैसे काम करता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एटोमाइजर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है एटोमाइजर जो देखते हैं एटमाइजर देखते हैं बेटा लोग।
ठीक है। देखो एटोमाइजर क्या होता है, एटोमाइजर देखियो कहाँ एटोमाइजर कहाँ यूज होता है, जो लोग नाइक यहाँ जाए होंगे, नाइक यहाँ जो जाते होंगे, जो नाइक यहाँ जाते होंगे, जो हाथ से क्या करता है पानी छिड़कता है, जो स्प्रे करता है, उसको एटोमाइजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटोमाइजर। ठीक है, कुछ लोग गए होंगे नाइक यहाँ तो देखे होंगे क्या होता है कि वो हाथ से क्या करता है पानी छिड़कता है, क्या करता है स्प्रे करता है वाटर को। ठीक है, एक मशीन टाइप का लिया रहता है, उससे वो क्या करता है पानी छिड़कता है। ठीक है, क्या किया है पानी छिड़कता है वो। ठीक है, ठीक है, क्या होता है पानी छिड़कता है उसको ऑटोमाइजर। तो इसमें क्या होता है ध्यान सुने, इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ क्या होता है पानी भरा होता है, नीचे क्या होता है हम देखोगे बड़ा सा डब्बा होता है, उसमें कंटेनर होता है, पानी भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये पतला सा ट्यूब होता है, पतला सा ट्यूब, ये इधर बड़ा सा ट्यूब होता है छोटा सा। ठीक है, ये थिक एंड होता है और यहाँ पर एयर भरी होती है। ठीक है, यहाँ रबर बॉल होता है, उसमें अलग चीज लगा होता है, रबर बॉल को जैसे ही दबाएंगे सारे की सारी एयर कहाँ आएगी, इस यहाँ पर आएगी। ठीक है, पतले ट्यूब के अंदर, ये फाइन बोर, इसको फाइन बोर बोला जाता है ना, इसको जो है बोर मतलब डायमीटर एक्चुअल होता है, बोर मीन्स क्या होता है, बोर जो वर्ड है इसका मतलब डायमीटर होता है। तो इस फाइन बोर से क्या करती है, बहुत तेजी फ्लोइंग होती है। क्यों होती है कि जैसे ही आप प्रेस करेंगे रबर वो सारी सारी एयर यहाँ आएगी बहुत हाई वेलोसिटी से, हाई वेलोसिटी जब यहाँ होगा तो यहाँ प्रेशर बता बता लो हो जाएगा, यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा लो, यहाँ प्रेशर लो, यहाँ प्रेशर हाई, तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो ये वाटर अपने आप यहाँ आ जाएगा, एयर के मिक्स होकर के बाहर की ओर क्या होगा स्प्रे होगा। सीधा सा लॉजिक है, सिंपल सी, सिंपल सी लॉजिक है क्या बच्चा, कि जैसे ही रबर बॉल को दबाएंगे, इसको स्क्वीज करेंगे, वैसे ही ये सारी की सारी एयर इस क्या आएगी नैरो ट्यूब के अंदर आएगी, यहाँ पर नैरो ट्यूब है, ये नैरो ट्यूब है, जैसे ही सारी की सारी एयर आएंगी तो यहाँ पर हाई स्पीड से सारी की सारी एयर पास होगी, क्योंकि ये नैरो ट्यूब है, यहाँ एरिया कम होता है स्पीड ज्यादा हो जाता है, तो हाई स्पीड से पास करेंगे तो यहाँ प्रेशर लो हो जाएगा, यहाँ प्रेशर लो रहेगा इस ट्यूब में, मतलब प्रेशर लो रहेगा, नीचे प्रेशर हाई रहेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वाटर अपने आप क्या करेगा चढ़ जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, और इस तरह से वाटर किससे मिक्स होगा, इस एयर से मिक्स होकर के बाहर की ओर क्या हो जाएगा स्प्रे होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो एक इसका वर्क है, यहाँ पर भी वेलोसिटी हाई तो प्रेशर कम, मतलब ये क्या हुआ बताओ, किसका यूज हुआ यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ पर भी बर्नौली थियरम ही यूज हुआ। क्या यूज हुआ बच्चा लोग? तो बर्नौली थियरम ही यूज हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ यूज हुआ बच्चा लोग? तो बर्नौली थियरम यूज हुआ। आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, क्या यूज हुआ बोलाओ? बर्नौली थ्योरम यूज हुआ। नेक्स्ट, फिल्टर पंप छोड़ो। ठीक है, इसे भी समझा सकते हैं, इसको पढ़ लेना, वही वर्क करता है। इसमें दो एक फिल्टर होता है अंदर थी, ये पाइप बहुत ही पतली होती है। ठीक है, यहाँ सेम टू सेम यहाँ नोजल होता है, जेट बहुत हाई स्पीड होती है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर कम है, तो यहाँ से पूरी की पूरी यहाँ आ जाती है एयर, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो इस तरह से वैक्यूम क्लीनर बनाते हैं, फिल्टर पंप बनाते हैं, यहाँ वैक्यूम हो जाता है। नहीं, सिंपल सी लॉजिक है भैया, क्या होता है ध्यान सुने, यहाँ क्या लगाया गया रहेगा बताओ, यहाँ क्या लगाया रहता है, सिंपल सी लॉजिक है, यहाँ लगाया जाता है नोजल, इस नोजल पे जैसे ही इसको यहाँ से वाटर आएगा हाई स्पीड से नोजल से निकलेगा, जेट वाटर, जेट बहुत जेट से निकलेगा, जेट मतलब बहुत तेजी से निकलेगा, बहुत तेजी से निकलेगा, तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहाँ प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा कम, यहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर आएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, यही पढ़ना है, खत्म काम। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हारा ब्लोइंग ऑफ ए टीन रूफ इन माइंड स्टोन, जब बहुत तेजी से हवा आती है, जब बहुत तेजी से क्या आती है भैया हवा आती है, वाइल्ड स्टोन आता है, आधी आती है, तो हमारा टीन रूफ होता है, जो टीने का छत बनाया गया रहता है, वो क्या करता है ब्लोइंग ऑफ उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है भैया?
तो इसका भी कारण वही है। ध्यान से सुनेंगे, जो मेरा टीना का जो टीन का जो रूप है, यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ बहुत तेजी से आएगी एयर, क्योंकि स्टोर में, तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, तो वेलोसिटी ज्यादा है ऊपर की ओर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पर कम हो जाएगा। नीचे प्रेशर अभी भी ज्यादा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा P2-P1, इसकी वजह से नीचे से फोर्स लगेगी, लिफ्टिंग ऑफ फोर्स, जो इसको उड़ा करके ऊपर ले जाएगी, खत्म काम। सिंपल से लॉजिक, समझ में आया कि नहीं आया? अभी मेरे पास जैसे अभी मैंने फिर से समझा रहा हूँ, ये क्या है टीन का क्या है, मेरे पास टीन का क्या है रूप है, ऊपर से एयर आई, हाई स्पीड से आई, क्योंकि वो तो स्टॉर्म है, यहाँ वेलोसिटी क्या है बताओ, बहुत हाई है, तो ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तुरंत कम हो जाएगा, जहाँ वेलोसिटी ज्यादा वहाँ प्रेशर अपने आप कम, यहाँ प्रेशर जैसे ही कम होगा, इसके नीचे टीन के नीचे भी प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि एटमोस्फेयरिक प्रेशर वहां तो बना हुआ है, तो नीचे प्रेशर ज्यादा, नीचे प्रेशर ज्यादा, ठीक है, नीचे प्रेशर क्या है, नीचे प्रेशर क्या है, चलो नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम, इसके वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा P2-P1, ठीक है। अभी बताया प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ एक फोर्स काम करेगी नीचे, जहां प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है, वो क्या करेगी, इस रूफ को उड़ा के ले जाएगी, इस रूफ को ऊपर की ओर उड़ा के ले जाएगी, ठीक है, ये है तुम्हारा कारक। सबको समझ में आया? ठीक है, एवरीबॉडी, अब देखो आगे की ओर देखते हैं, ये लिखा भी है, उसी चीज को मैं पढ़ देता हूं एक बार जो मैं बताया था। शुरू में पढ़ भी देता हूँ इसको, इसको पढ़ भी देता हूँ मैं, कि ये वाला कि वेन वेन वाइंड ब्लोज विथ हाई वेलोसिटी ऑफ द टीन रूफ, तो अभी बताया था टीन रूफ के ऊपर हाई वेलोसिटी रहती है, वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और नीचे प्रेशर प्रेशर जो रहता है स्फेरिक रहता है, जो हाई रहता है, इसके वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और रूफ क्या होता है, लिफ्ट होता है, अभी मैं बताया था, यही कारण सेम टू सेम क्या है, ट्रेन, जब ट्रेन हाई स्पीड से चलती है, जब ट्रेन में चलो हाई स्पीड से चलती है, तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो उसके आसपास की जो एयर होती है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत हाई स्पीड से चलते हैं, तो उसके आसपास की एयर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से वहाँ प्रेशर कम होता है, तुम जहाँ खड़े रहते हो वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता है बच्चा, तुम जहाँ खड़े रहते हो प्लेटफॉर्म पर वहाँ प्रेशर ज़्यादा, और ट्रेन के पास प्रेशर कम, क्योंकि ट्रेन के पास जो एयर होती है इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना, इसके वजह से यहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज्यादा, यहाँ प्रेशर ज्यादा कम, तो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, ये P1 मान लेते हैं, P2, यहाँ प्रेशर डिफरेंस, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण बच्चा आप लोग क्या कर जाएंगे, अंदर की ओर, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाओगे कि नहीं जाओगे, अंदर बहुत ही ज्यादा अंदर, यहाँ पर ट्रेन के पास बहुत ही कम प्रेशर, बहुत ही कम, क्योंकि हाई स्पीड से जा रही है, यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस के कारण तुम कहाँ चले जाओगे, ट्रेन के अंदर चले जाओगे, यहाँ पर चले जाओगे, ठीक है, और तुम्हारी खतरनाक वाली मौत हो जाएगी बेटा, डेंजर एकदम,
क्लियर है। इसलिए आसपास कभी भी ट्रेन के मत जाना, कभी भी ट्रेन के हाई स्पीड से चलती है आसपास मत जाना, वरना खींच लेगी ये प्रेशर डिफरेंस के कारण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ ये आता है इम्पोर्टेंट, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ मैग्नस फिट, क्या मैं जा रहा हूँ बताने भैया लोग, तो ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जा रहे हैं क्या हम लोग बताने बेटा लोग, तो मैग्नस इफेक्ट बताने लिए जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? मैग्नस इफेक्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है मैग्नस इफेक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या होती है, जो हम बॉल कराते हैं स्पिन बॉल कराते हैं, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ आपको पढ़ लेना। ये बॉल हम जो पढ़ाते हैं फेंकते हैं ना, स्पिन फेंकते हो, सही लोग बॉलिंग करते हो, ये बॉल स्पिन है तो ऐसे घूमती हुई जाती है, ऐसे क्या होती है घूमती हुई जाती है, इस तरह से इधर से घूमती है नीचे से ऐसे घूमते जाती है, ठीक है ऐसे ये घूमते हुए जाती है। तो ए यू क्या हो गई, बॉल की स्पीड हो गई, यू बताओ क्या हुई, तो बॉल की स्पीड हो गई, ठीक है। यू किसकी स्पीड हुई भैया, बॉल यू स्पीड, यू स्पीड बताओ किसकी है बच्चा, यू स्पीड किसकी है बच्चा, बॉल यू स्पीड किसकी है, बॉल की। ऐसे बॉल कैसे जा रही है, इस तरह से घूमते यू स्पीड से घूम रही है, और एयर किधर भर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से एयर भर रही है, फ्लो हो रही है, एयर ब्लो हो रही है, और यू वेलोसिटी से बॉल इस तरह से घूमते घूमते आगे की ओर जा रही है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, तो ये बताओ थोड़ा सा बताओ, यहाँ पर बोलो, यहाँ पर बोलो थोड़ा सा बताओ तुम लोग, यहाँ पर बताओ बच्चा लोग, यहाँ पे बॉल और एयर की अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं है। ऊपर बोलो, ऊपर में बॉल की डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर, और एयर की डायरेक्शन किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से बॉल वेलोसिटी कम हो जाएगी कि नहीं कम हो जाएगी एयर की, तो वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं, प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ वो दोनों एयर और बॉल की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ होता है एयर की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी कि नहीं ज्यादा हो जाएगी, सपोर्ट करेगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा। तो ये यहाँ प्रेशर ज्यादा, ऊपर की ओर प्रेशर ज्यादा, नीचे की ओर प्रेशर मानते हैं P2, ये मानते हैं P1, ऊपर की ओर प्रेशर ज्यादा P2, यहाँ प्रेशर कम, इन वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा P2 - P1। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बॉल घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी, इसीलिए बॉल स्पिन होती है। इसी को इफेक्ट क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट क्या बोलते हैं, मैग्नस, इसीलिए स्पिन होती है बॉल, हमारी जो बॉल होती है ना बच्चा, इसीलिए स्पिन होती है। देख ऊपर ऐसे बॉल घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे बॉल घूम रही है, तो ऐसे देख कैसे बॉल घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज इस तरह से बॉल घूम रही है, इस तरह से बॉल घूम रही है। तो बताओ ऊपर की ओर बॉल की स्पीड है, जो बॉल की वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन और एयर का डायरेक्शन सेम है कि नहीं सेम है, सॉरी अपोजिट है कि नहीं है। एयर इधर की ओर है, एयर किधर की ओर है, इधर की ओर है, और बॉल इधर की ओर मूव कर रहा है, तो अपोजिट है। तो बताओ नेट वेलोसिटी यहाँ कम हो जाएगा कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एयर की वेलोसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी कि नहीं कम हो जाएगी, बॉल की स्पीड कम कर देगी। तो जैसे ही एयर की स्पीड कम होगी, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड कम होती है वेलोसिटी कम होती है तो प्रेशर ज्यादा। यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर बताओ यहाँ क्या होगी, ऐसे जा रहा है, कैसे घूम रहा है नीचे की ओर, इस तरह से घूम रहा है, तो यहाँ पर जो बॉल की स्पीड है और एयर की स्पीड भी इधर की ओर है, दोनों सेम है, मतलब कि एयर की स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यहाँ जैसे ही एयर की स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर अपने आप यहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा बच्चा। तो यहाँ प्रेशर घटा, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, इन दोनों की वजह से यहाँ क्या क्रिएट होगा, प्रेशर डिफरेंस। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बॉल अपने आप मूव करने लगी, इधर हाई प्रेशर इधर लो प्रेशर, तो इस तरह से पाथ चेंज होता था, स्पिन कर जाती है बॉल। इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, मैग्नेस इफेक्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मैग्नेस इफेक्ट, ठीक है। तो इसको क्या करना, आप लोग पढ़ जाना, जो नोट्स है जो बुक है इसको पढ़ जाना भैया, ठीक है। इसको क्या करना, पढ़ जाना, ठीक है, इसको पढ़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर,
हाँ लास्ट है ये देख, डीप वाटर रन्स काम, नीचे की ओर जो वाटर होता है, गहराई में जो वाटर होता है वो कामली चलता है। क्यों कामली चलता है? सिंपल सी बात, डीप वाटर में जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ते जाता है। तो लोग पता है जितना गहराई में जाते हैं प्रेशर बढ़ते जाता है, जितना गहराई में जाते हैं प्रेशर बढ़ते जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी अपने आप कम होगी, होगी कि नहीं होगी, खत्म काम, सिंपल सी बात। तुम लोग पढ़ा है ना जितना डेप्थ में हम लोग जाते हैं बच्चा, जितना डेप्थ में जाते हैं, जितना डेप्थ में जाते हैं बच्चा लोग, जितना डेप्थ में बच्चा लोग जाते हैं, जितना डेप्थ में जाते हैं उतना ही प्रेशर इंक्रीज होता है कि नहीं होता है? वो प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमें बताया था, प्रेशर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी कि नहीं कम हो जाएगी? वो दोनों अपोजिट होती है कि नहीं, वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब नीचे वाला जो वाटर है जितना डेप्थ में जाएंगे वो जो वाटर होगा बहुत ही स्लोली चलेगा, क्या करेगा? स्लोली चलेगा, बहुत ही कामली चलेगा, बहुत ही क्या चलेगा? कामली। ठीक है, ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? जितना डेप्थ में जाएंगे प्रेशर ज्यादा होगा, वेलोसिटी अपने आप वाटर की कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो उतना ही कामली चलेगा कि नहीं चलेगा? उतना ही आराम से चलेगा कि नहीं चलेगा पानी? ये रीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, ये तो इम्पोर्टेंट है। अब जो होता है देखो क्या होता है, जो आर्टरी होती है हमारी वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है, वो बहुत ही मतलब कि नैरो टाइप की हो जाती है। क्यों? प्लेक के जमा होने। प्लेक क्या होता है? ए प्लेक फैट का, ए फैट का जमाव, एक्युमुलेशन ऑफ फैट कह सकते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ फैट, फैट का जमाव हो जाना या फिर फैट का जमाव हो जाना, ठीक है, इसको ब्लैक बोलते हैं। बायोलॉजी में पढ़े होगे तुम लोग, फ्लैक का एक जगह, जब फ्लैक प्लेक क्या होता है, बहुत सारे जब एक जगह फैट होते हैं, ठीक है, जो जमा हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं सब जमा हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? प्लेक। तो ये जब आर्टरी में जमा हो जाते हैं सब, तो आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है, एकदम पतली हो जाती है, ठीक है, उसका आर्टरी का जो इनर वाल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है भैया? इनर वाल्स पे जैसे ही प्लेक का जमावड़ा होता है, प्लेक मतलब वही फैट और फैट का लो या फिर का लो सेल के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे जम जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है हमारी आर्टरी, ठीक है। अब ब्लड वहां से जैसे ही निकलेगा, बहुत ही नैरो रीजन होगी तो उसकी वेलोसिटी हाई हो जाएगी ब्लड की, ठीक है, वेलोसिटी उसकी हाई होगी तो वहां प्रेशर कम होगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, जैसे ही ये कंस्ट्रिक्ट होगा वहां से ब्लड बहुत हाई प्रेशर वेलोसिटी से आएगा, तो हाई वेलोसिटी से रट जाएगा तो वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं? तो वहां प्रेशर कम, ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है? हार्ट अटैक आता है, ठीक है। वही लिखा है, स्पीड ऑफ द फ्लो ब्लड इन कंस्ट्रिक्टेड रीजन इंक्रीज, वहां स्पीड ज्यादा हो जाता है, ठीक है, अभी हम जानते हैं क्योंकि एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, इसके वजह से ब्लड प्रेशर वहां कम हो जाएगा। अभी बताया था क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा बर्नौली थ्योरम से, इसके कारण क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से आर्टरी कोलैप्स कर जाती है। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है और वहां का प्रेशर कम है, इसके वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से मेरी आर्टरी क्या हो जाती है? कोलैप्स कर जाती है, क्लियर है। इसके बाद हार्ट एग्जर्ट मोर प्रेशर टू ओपन दिस आर्टरी, अब हार्ट क्या करेगा? जैसे क्लोज के बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा आर्टरी को खोलने के लिए, एंड फोर्सेस द ब्लड थ्रू, और उसके थ्रू ब्लड बहुत ही ज्यादा प्रेस करेगा, फेंकने का कोशिश करेगा, क्योंकि वो तो चाहता है कि ब्लड बाहर जाए, ठीक है, आर्टरी के थ्रू, तो आर्टरी में उसको हाई प्रेशर से ब्लड देगा, मोर प्रेशर लगाएगा, एंड द ब्लड रशेस थ्रू द ओपनिंग। जैसे थोड़ी थोड़ी अब ब्लड वहां से निकलेगी, क्योंकि वो तो एकदम कंस्ट्रिक्ट हो गया है, तो एकदम क्लैप्स हो गया है, द ब्लड प्रेशर इंटरनल वंस अगेन ड्रॉप्स, इस वजह से वहां का ब्लड प्रेशर एक बार और कम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी, इसी वजह से क्या होता है? बार बार कोलेप्स होता है, बार बार कोलेप्स होता है, इस बार बार कोलेप्स की वजह से क्या हो जाता है? हमारा हार्ट अटैक हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आएगा, हार्ट अटैक जो आर्टरी होती है हमारे यहाँ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, पतली हो जाती है, किस वजह से? प्लेक के जमाव के कारण। प्लेक क्या होता है बच्चा लोग? तो प्लेक क्या होता है आपका? प्लेक होता है ए फैट और जो बाई प्रोडक्ट होते हैं किसके? सेल्स के, क्लियर है, कर सकते हैं, ठीक है। उसके क्या होता है? वो जब जम जाता है एक जगह, एक्युमुलेट होता है, उसको प्लेक बोलते हैं। तो प्लेक के कारण इनर वॉल्स में जब आर्टरी के प्लेक जम जाते हैं, इसके कारण क्या होता है? वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है आर्टरी, बहुत छोटी, बहुत पतली हो जाती है,
जिसके वजह से क्या होता है कि जो ब्लड आते हैं वो हाई वेलोसिटी से जाते हैं वहां से, जिसके वजह से प्रेशर कम हो जाता है हाई वेलोसिटी की वजह से, और एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, इंटरनल प्रेशर कम हो गया, तो वहां पर ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा, वहां पर क्या हो जाएगा ब्लड प्रेशर, ठीक है, वहां ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की वजह से जो होती है हमारा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, इंटरनल प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर लो हो गया, उसकी वजह से कोलैप्स कर जाएगी आर्टरी, ठीक है। अब हार्ट क्या करेगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा, क्योंकि उसको तो ब्लड को बाहर निकालना है, क्लियर है, आर्टरी के ऊपर, तो आर्टरी से ब्लड क्या करेगा रिसने शुरू होगा बार बार, अब बहुत कम जगह है फिर ब्लड प्रेशर वहां लो होगा, क्योंकि अभी भी जगह बहुत कम है निकलने का, तो हाई स्पीड से ब्लड निकलना चाहेगा वहां, फिर प्रेशर कम होगा, बार बार प्रेशर कम होने की वजह से बार बार क्या होता है वहां पर बार रिपीटेटिव कोलैप्स होता है, आर्टरी का रिपीटेटिव कोलैप्स होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से ही क्या होता है चलो तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये मैंने समझा दिया आपका, ठीक है। और लास्ट है इस टॉपिक चैप्टर का छोटी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? गुड। लास्ट है का वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स देखते हैं, कुछ है नहीं एक्चुअल में, ये आता है एग्जाम में। एक कंटेनर ले लिया मैंने, क्या ले लिया, एच कंटेनर। इस कंटेनर में एच हाइटर कैपिटल एच हाइट तक मैंने लिक्विड को भर दिया। एक कंटेनर ले लिया, ये क्या ले लिया मैंने बच्चा, कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में एच हाइट तक मैंने क्या भर दिया, लिक्विड भर दिया। इस कंटेनर में मैंने क्या किया बच्चा लोग, एच हाइट तक लिक्विड भर दिया, ठीक है, एच हाइट तक लिक्विड भरा इसमें। और एच हाइट फ्री सरफेस, इसको क्या बोला जाता है, इस सरफेस को फ्री सरफेस बोला जाता है, फ्री सरफेस बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, फ्री सरफेस बोला जाता है, ठीक है। अब फ्री सरफेस के एच हाइट नीचे जाकर के मैंने क्या बना दिया, एक छोटा सा पेनिट्रेट कर दिया, ठीक है, इसी को इफ्लक्स बोला जाता है। लेट द बेसल फील्ड ऑफ द हाइट हाइट देयर ओरिफिस है, अच्छा इसको ओरिफिस बोला जाता है, जो छेद किया है इसको, ये इसको क्या बोला जाता है, ओरिफिस, ओरिफिस, इसको क्या बोला जाता है, ओरिफिस बोला जाता है, ठीक है। मैंने एच हाइट लिया, एच हाइट तक एक कोई कंटेनर, एच हाइट तक इसमें लिक्विड भरी, एच हाइट तक लिक्विड भरने के लिए इसके फ्री सरफेस से एच दूरी नीचे जाकर के एक ओरिफिस बनाया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो देखते हैं कि अब क्या होता है, कितना है डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहाँ से जो वाटर निकलेगा इस स्फीयर के, इस ओरिफिस के थ्रू, वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा, यही हमको निकालना है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा यही निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बताओ बचा लोग, ठीक है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, ठीक है लगाएंगे। तो ये बताओ दोनों पॉइंट पर, एक तो ऊपर लगाएंगे यहाँ पर, एक यहाँ पर लगाएंगे, ये दोनों पॉइंट में, ये पॉइंट वन हो गया और ये पॉइंट टू हो गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के ऊपर क्या लगाएंगे, बर्नौली थ्योरम। तो यहाँ पर सर क्या मान लेते हैं, पी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर वाटर की वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पर क्या हो गया हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ रो बी स्क्वायर करोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सर पी, यहाँ पर प्रेशर क्या मान लेते हैं पी है, ठीक है, एटमोस्फेयरिक प्रेशर है पी, क्लियर है। यहाँ पर बताओ वेलोसिटी क्या होगी, बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा ना, ऊपर वाला सरफेस क्या होता है पानी भर लो या छेद करते हैं बहुत स्लोली जाता है, तो उसको जीरो मान लेते हैं, वेलोसिटी जीरो है, रो बी स्क्वायर जीरो, एच हाइट ऊपर है तो ये पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच क्या हो गया, रो जी एच इक्वल टू, यहाँ भी एटमोस्फेयरिक प्रेशर है तो ये भी पी मान लेते हैं, एटमोस्फेयरिक प्रेशर यहाँ भी है, एटमोस्फेयरिक प्रेशर सेकंड पर भी है क्योंकि एटमोस्फेयर से कनेक्ट है, तो प्रेशर पी। यहाँ वेलोसिटी होगी वी वेलोसिटी से, मानते कितने वेलोसिटी से वाला यहाँ पर वाटर निकल रहा है वी वेलोसिटी से, तो क्या हो गया हाफ रो वी स्क्वायर हो गया प्लस रो जी, ये डिस्टेंस कितना है पूरा एच है, ये वाली दूरी एच छोटा एच है, तो बची हुई दूरी कितना हुआ एच माइनस एस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, रो जी एच माइनस एच होगी, क्योंकि फ्री नीचे से लेते हैं हमेशा ना,
हाइट कहां से लेता है, नीचे से। पर ए क्या हो गया यहां के दूरी, सेकंड पॉइंट की दूरी h माइनस से, तो रो जी h माइनस h। ठीक है, ये बात क्लियर है। मैंने बर्नौली थ्योरम लगाया, यहां प्रेशर p, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वेलोसिटी इसकी क्या है, जीरो है, बहुत स्लोली नीचे जा रहा है, रो जी कितनी हाइट पर है नीचे से, h, तो रो जी h हो गया इक्वल टू, यहां प्रेशर सेकंड पॉइंट पे मान लेते हैं p, क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, एटमॉस्फेयर पे प्रेशर p, हां यहां वेलोसिटी v है वाटर की, तो मान लेते हैं हाफ v स्क्वायर हो गया प्लस रो जी एच माइनस एच, रो जी एच कितनी हाइट है, रो जी एच माइनस एच। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब देखो आगे की ओर, तो यहां से किसको सॉल्व करोगे, ठीक है, देखें, ओके, इसको सॉल्व करोगे बच्चा लोग, इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा लोग, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, हाफ रो बी स्क्वायर, इधर बचेगा ये सब कैंसिल हो जाए, देखो इधर क्या बचेगा, मैं कर देता हूं यहां पर एक लाइन, पी प्लस रो जी एच, इधर इधर बचा, अच्छा पी भी कैंसिल हो गया, पी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, है क्या, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इधर रो जी एच बचेगा ना, हाँ ठीक है, इधर क्या बचेगा, सिर्फ पी भी कैंसिल हो गया, तो रो जी एच, इधर रो जी एच, इस साइड बचेगा हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी, ब्रैकेट ऑफ करोगे तो रो जी एच माइनस रो जी स्मॉल एच। ठीक है, ए रोजी एच, रोजी एच गायब, ए रोजी एच इस साइड आएगा तो हाफ रो वी स्क्वायर किसके बराबर बचेगा, रो जी एच के बराबर बचेगा। बात समझ में आई, आप रो वी स्क्वायर किसके बराबर बचेगा, रो जी एच, यहां से रो रो गायब, तो वी स्क्वायर जाएगा, टू जी एच हो जाएगा, तो वी बराबर क्या बचेगा, रूट टू जी एच। कितने वेलोसिटी से गिरेगा भाई नीचे की ओर, कितना वाटर, रूट टू जी एच। एक कभी देखे हो क्या, एक कभी तुम लोग देखे हो फ्री फॉल वाले केस में वेलोसिटी क्या होती है, रूट टू जी एच। किसी बॉल को ऊपर से जब फेंका जाता है, ड्रॉप किया जाता है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, नीचे आते वक्त जमीन पर रूट टू जी एच होता है ना, क्या लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, फॉर्मूला जानते हो ना, इनिशियल वेलोसिटी जब ड्रॉप करेंगे तो जीरो होता है, तो यहाँ से वी क्या आ जाता है, रूट टू जी एच। ठीक ठीक है, उसी के बराबर होता है। जब किसी भी बॉल को मैं फ्री फॉल कराता हूँ, क्या कराता हूँ, फ्री फॉल, तो उसकी वेलोसिटी भी रूट टू जी एच ही होती है, और इसकी वेलोसिटी भी फ्लक्स वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला सबसे पहले टोरिसेली द्वारा दिया गया था, इसलिए इस थ्योरम को क्या बोला जाता है, टोरिसेली थ्योरम भी बोला जाता है। तो इसी चीज को समझाता है, किसी एच हाइट से फ्री फॉल कराते हैं तो वेलोसिटी रूट टू जी एच होती है, उसी के बराबर एवी वेलोसिटी आती है। इजी टॉक टू एवरीबॉडी, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ये हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है तो क्या लगा देंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा सकते हैं। तो कितना डिस्टेंस नीचे से ऊपर है बताओ, एच माइनस एच, कितना डिस्टेंस था नीचे से ऊपर की ओर, एच माइनस एच, कितना था डिस्टेंस बता ले, एच माइनस एच था कि नहीं था, कितना डिस्टेंस था बच्चा लोग, ठीक है, कितना डिस्टेंस था इधर, इतना नीचे से नीचे डिस्टेंस था नीचे से ऊपर की ओर, एच माइनस एच था, एच हो गया, एच बराबर एस यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, एच बराबर यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लगाया था, डिस्टेंस क्या है, हा एच माइनस एच, इतनी हाइट है बताओ, एच माइनस एच, तो एच माइनस एच हाइट बराबर क्या लगे, हाफ जी टी था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो है तो एच माइनस एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ से टाइम टू एच माइनस एच टू एच माइनस जी हो जाएगा, रूट टू पर टाइम कटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ओवर टू एच माइनस एच इंटू जी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तुम्हारा टाइम आ गया। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, तो भैया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी मेरी आई थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आई थी, रूट टू जी एच इंटू टाइम होगा। ठीक है, इंटू टाइम, टाइम हमने निकाल लिया है,
ठीक है, वही ना होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड रूट टू जी एच और टाइम कितना लग रहा है अभी निकाल लिया हूँ मैं, हाफ जी एच माइनस एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से यहाँ टाइम की वैल्यू पुट कर दोगे तो वी टी कर दोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, रूट क्या आ जाएगा, टू रूट एच इंटू एच माइनस एच। ठीक है, क्या टाइम आएगा, टू रूट एच माइनस एच आ जाएगा। इज टू गेट एवरीबॉडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये टाइम आ गया, ये कितना आ जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। अभी मैंने कैसे कहा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालता, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुमको पता ही है रूट टू जी एच अभी आया था, क्या आया था रूट टू जी एच, निकाला था कि नहीं निकाला था, इंटू टाइम अभी निकाला था कि नहीं ऊपर निकाला था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से टू रूट एच इंटू एच माइनस एच आ जाएगा, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा। इजी टू गेट एवरीबॉडी, तो ये फॉर्मूला होता है क्या, टू इंटू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ठीक है, एवं दिस फॉर्मूला वेदर ऑरिफिस इज वेसल डेप्थ, अच्छा ऑरिफिस कहीं भी लगा दे, एच डिस्टेंस पे लगा दे एच माइनस एच पे, तो ठीक है, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एच पर लगा ले स्मॉल एच पर चाहे एच माइनस एच पर लगा ले। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मैक्सिमम रेंज कब होगा, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी भैया, तो मैक्सिमम के लिए हमको पता है डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एच माइनस एच कब मैक्सिमम होगा, जब डी अपॉन में डी इंटू एच माइनस एच अपॉन डी एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमा के लिए डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होता है ना, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, हाइट एच चेंज हो रहा है, स्मॉल एच चेंज हो रही है, तो उसी के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट कर जीरो कर देंगे, तभी तो मैक्सिमम मिलता है, सभी लोग को समझ में एक चीज आता होगा ना, मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू आई है उसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम निकालनी है, जिस चीज के रिस्पेक्ट में निकालनी है हमको यहाँ पर स्मॉल एच के, क्योंकि वही चेंज हो रहा है, रिस्पेक्ट में निकालनी है तो उसको डिफरेंशिएट कर इक्वल टू जीरो कर दो, तो ए मल्टीप्लाई करोगे तो एच इंटू एच हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे एच के रिस्पेक्ट में तो एच कैपिटल एच हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल एच का एच के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन वन, माइनस एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है टू एच इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से स्मॉल एच क्या आ जाएगा बोलो, टू एच बराबर कैपिटल एच, तो यहाँ से स्मॉल एच क्या आ जाएगा एच बाई टू। ठीक है, मतलब h बाई टू पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, h बाई टू के दूरी पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, h बाई टू मतलब हाफ, h बाई टू मतलब हाफ। ठीक है, देखें h बाई टू मतलब हाफ, हाफ दूरी पे क्या करेगा, मतलब यहां पर ध्यान से देखो, तो हाफ दूरी पे क्या करेगा बंदा, हाफ दूरी पे क्या करेगा ये बंदा, थोड़ा सा ये हाफ दूरी पे टोटल एच, ये हाफ दूरी पे क्या करेगा, जब ओरिफिस को कितने दूरी बनाएंगे, हाफ दूरी पे बनाएंगे, यहाँ ओरिफिस को बनाएंगे एच बाई टू पे बनाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, अभी निकाला था मैंने, ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो हाफ दूरी पे क्या करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर हो गई बात, सारी की सारी कहानी मैंने समझा दी, कितनी दूरी पे बताओ, हाफ दूरी पे, अभी बताया था ना एच बाई टू पे, अब मैक्सिमम कितनी होगी, इसकी वैल्यू रख दो उसमें, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये जो आई थी यहाँ पर एच एच स्मॉल एच की जगह एच बाई टू कर दो, स्मॉल एच की जगह क्या कर दो एच बाई टू कर दो। ठीक है कि नहीं, ठीक है, स्मॉल एच जहाँ दिख रहा है वहाँ पर एच बाई टू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर, सॉरी ये क्या हो जाएगा रूट ओवर टू बाहर है यहाँ एच की जगह एच बाई टू और यहाँ एच माइनस एच बाई टू, ये क्या होगा एच बाई टू ही, एच बाई टू का स्क्वेयर हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा एच बाई टू, तो एच आ जाएगा, क्या होगी दूरी एच के बराबर ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो एच ही आएगा ना, एक बार कर लेना, एच माइनस एच बाई टू ही होगा, एच बाई टू इंटू एच बाई टू एच स्क्वायर बाई फोर, एच स्क्वायर बाई फोर बाहर जाएगा तो एच बाई टू, एच बाई टू से टू कैंसिल होगा एच। ठीक है, तो एच एच बाई टू पर जब ऑरिफिस बनाएंगे तो कितना डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस से कवर करेगा एच, मतलब पूरे हाइट के बराबर डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया इनफ्लक्स हो गया, इसको इनफ्लक्स बोलते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर एप्लीकेशन खत्म होते हैं। ठीक है, गुड नाइट गुड बाय, कल के क्लास में जब आएंगे तो हम लोग क्या समझेंगे भैया, न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, इनके ऊपर क्या बताएंगे, न्यूमेरिकल्स बताएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, गुड नाइट।